सो आज के वीडियो में हम जानेंगे जीव विज्ञान से जुड़े कुछ जीके क्वेश्चंस के बारे में। सो एपिकल्चर की बात की जाए तो एपिकल्चर क्या होता है? एपिकल्चर की बात की जाए तो एपिकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपिकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर की बात की जाए तो सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर की बात की जाए तो पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी माइकोलॉजी की बात की जाए तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? फंगस। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी की बात की जाए तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी की बात की जाए तो एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी की बात की जाए तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी। ओरिंथोलॉजी की बात की जाए तो ओरिंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ओरिंथोलॉजी। इक्योथोलॉजी की बात की जाए तो इक्योथोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। इक्योथोलॉजी। एंटोमोलॉजी की बात की जाए तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? कीटों का अध्ययन। अब बात करें डेंड्रोलॉजी की तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत आता है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी की बात की जाए तो ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन कहलाता है। ऑफियोलॉजी। सोरोलॉजी की बात की जाए तो सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन कहलाता है। सिल्वीकल्चर की बात की जाए तो सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है, बागवानी से। फ्लोरिकल्चर की बात की जाए तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहते हैं।